बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मोहतरम नाज़रीन, ईडन गार्डन टाइम्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। आपको ईडन गार्डन टाइम्स के इलेक्शन सेल में खुश आमदीद कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 2024 के इलेक्शन इंतहाई करीब आ चुके हैं और हमने आपके लिए कौमी असेंबली के मुख्तलिफ हलकों से साबका इंतहाबात की वीडियोज़ बनाने का अमल शुरू कर रखा है। आज इस सिलसिले की हमारी वीडियो है वीडियो नंबर 142, वीडियो नंबर 142, और आज कौमी असेंबली का हमारा हलका है NA 142 साहिवाल 2। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, कौमी असेंबली का यह हलका सूबा पंजाब के जिला साहिवाल के मुख्तलिफ इलाकों पर मुश्तमिल है। इस हलका में तहसील साहिवाल के बाज़ इलाके बशमूल हड़प्पा के तमाम इलाके शामिल हैं। इसके अलावा चीचावती तहसील के बाज़ इलाके भी इसी हलका में शामिल हैं। मोहतरम नाजरीन, 2018 के इंतखाबात में इस हलके का नाम था NA 148 साहिवाल 2 और अब 2024 के इंतखाबात में इस हलके का नाम है NA 142 साहिवाल 2, यानी ओल्ड नेम NA 148, NA 148 और न्यू नेम NA 142, NA 142। मोहतरम नाज़रीन, इससे पहले कि हम आपको साबका इंतखाबात के हवाले से मुख्तसरन बताएं, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल ईडन गार्डन टाइम्स को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो की जानब। 10 अक्टूबर 2002, एक आज़ाद उम्मीदवार राणा तारिक जवेद कामयाब हुए इस हल्के से और वोट हासिल किए 42,885। अगले इंतखाबात 18 फरवरी 2008 को हुए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गुलाम फरीद काठिया इस नशिस्त को जीते और वोट हासिल किए 38,926, 38,926। इससे अगले इंतखाबात 11 मई 2013 को हुए तो PMLN की तरफ से चौधरी मोहम्मद अशरफ मैदान में उतरे, कामयाबी हासिल की और वोट हासिल किए 94,012, 94,012। अब बात करते हैं 25 जुलाई 2018 को होने वाले आखिरी इंतखाबात की। 10 उम्मीदवार मैदान में उतरे। PPP की तरफ से गुलाम फरीद काठिया ने इस इंतखाब को लड़ा और वोट हासिल किए 18,952, 18,952। PTI के मलिक मोहम्मद यार ढाकू ये रनर अप रहे, इन्होंने वोट हासिल किए 87,848, 87,848। और जीतने वाले उम्मीदवार PMLN के चौधरी मोहम्मद अशरफ, जो कि 2013 के इंतखाबात में भी विनर थे, 2018 के इंतखाबात में ये कामयाब हुए, वोट हासिल किए 1,29,027, 1,29,027। इस तरह से PMLN के चौधरी मोहम्मद अशरफ 2018 के इंतखाबात में इस हलका से कामयाब ठहरे। आप कुछ अदादोशुमार आपको बता दें कि यहाँ की पॉपुलेशन 8,28,815, रजिस्टर्ड वोटर्स 4,92,020 और मेल वोटर्स की तादाद थी 2,76,316 और फीमेल वोटर्स की तादाद थी 2,15,704। वोट डालने की शरह यानी टर्नआउट यहाँ पे रहा 56.19 और मेजॉरिटी हासिल की चौधरी मोहम्मद अशरफ ने। PMLN से इनका ताल्लुक 41,179 वोट की अक्सरियत, 41,179 वोट्स का मार्जिन। इस तरह से नतीजा ये रहा कि PMLN ने इस सीट को होल्ड किया। 2013 में भी ये सीट PMLN के पास थी और अब 2018 में भी PMLN ने ये सीट जीत ली। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, ये अहवाल था आपके हलके से साबका इंतखाबात का। आप से गुजारिश है कि आप अपने फेवरेट कैंडिडेट, पसंदीदा पार्टी और इलाके में डेवलप होती हुई पॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें। हम आने वाली वीडियोस में आपके कैंडिडेट्स की डिटेल और आपके इलाके की पॉलिटिकल सर्वे लेकर आ रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स दें, दोस्तों से शेयर करें और हमारे चैनल ईडन गार्डन टाइम्स को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदा।